हदीस पाक के लफ्ज मैंने पढ़े हैं, दाखल अल जन्ना, शहादत हुई, शहादत के बाद अल्लाह ने जन्नत में दाखला नसीब कर दिया। और ये बात दिल की तख्तियों पर सारे भाई और बुजुर्ग नक्श कर लो, शहादत के बाद शहीद को जो जिंदगी मिलती है वो जन्नत वाली होती है। मैंने सबक रोक दिया। सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, ये मेरे सामने है दूसरा पारा, रब्बुल आलमीन का कलाम मेरे सामने, फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल हयाउम वला किल्ला तशूरून। आयत नंबर 154, जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए हैं, शहीदों को जबान से मुर्दा नहीं कहना, शहीद जिंदा है। चौथा पारा सूरत का नाम सूरत आल इमरान, ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन का कुरान नंबर 169, ये हवाला सामने मैंने उंगली रखी हुई है। वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल हयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून। जो शहीद हो गए हैं उनको दिल में भी मुर्दा ख्याल नहीं करना, शहीद जिंदा है, अपने रब के यहां उनको रोजियां भी मिल रही है। कुरान मानने वाले ऊंचा बोलेंगे, आपके लिए दुआ करूंगा, शहीद मुर्दा या जिंदा? अरे नहीं बोल रहे, जल्दी करो, टाइम थोड़ा है। शहीद मुर्दा या जिंदा? मैं जिंदा बैठा हूं, मैं जिंदा हूं। छह बातें मैं दोस्तों को सुनाया करता हूं, मैं जिंदा हूं, मेरा मुझे कफन भी कोई नहीं पहनाएगा, मैं जिंदा हूं। चुप कर बैठे हो, मैं कोई डरा छोड़ा नहीं, मैं जींदे को कफन तो नहीं ले पाऊं, मेहरबानी करो। मैं जिंदा हूं, मुझे कफन कोई नहीं पहनाएगा। नंबर दो, मैं जिंदा हूं, मेरा जनाजा भी कोई नहीं पड़ेगा, जिंदा हूं। नंबर तीन, मैं जिंदा हूं, मुझे कब्र में दफन भी कोई नहीं करेगा, जिंदा को दफन करो, 302 कत्ल का केस है। नंबर चार, मैं जिंदा हूं, मेरी घरवाली आगे निकाह भी नहीं कर सकती, मेरे निकाह में है, आगे कैसे निकाह कर सकती है? कुरान के लफ्ज वल मुहसनात मिनन निसा, पहली पहली आयत, पांचवा पारा सूरत उन्निसा, जो औरत किसी के निकाह में है दूसरे बंदे के साथ निकाह नहीं कर सकती, पहला फौत हो जाए, खुदा ना खासा तलाक दे दे, इद्दत के बाद निकाह करे तो और बात है, जो किसी के निकाह में है, मैं जिंदा हूं, मेरी आलिया आगे निकाह नहीं कर सकती। और नंबर पांच, मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चे यतीम नहीं हो सकते। नंबर छह, मैं जिंदा हूं, मेरी विरासत भी तकसीम नहीं हो सकती। अजीब बात है, शहीद जिंदा, कफन भी पहनाया गया, शहीद जिंदा, जनाजा भी पढ़ा गया, शहीद जिंदा, दफन भी किया गया, शहीद जिंदा, बीवी आगे निकाह कर गई, शहीद जिंदा, बच्चे यतीम हो गए, शहीद जिंदा, विरासत भी तकसीम हो गई, ये कैसे जिंदा है? मैंने छी सवाल समझ आए, अब जवाब। यही बात समझने के लिए सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्ना सल्ना अनसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बात समझने के लिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, हजरत हमें तो कुरान की आयतें समझ नहीं आई। मेरा जुमला सुनो, जुमला قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो खुद भी कुरान सीखे, आगे कुरान सिखाए। एक होते कुरान पढ़ना पढ़ाना,
लफ्ज पढ़ना लग पढ़ाना ये और चीज है, सीखना सिखाना और चीज है। कुरान का माना क्या है, आयत का मतलब क्या है, सूरत का खुलासा क्या है, आपस में रब्त और तल्लुक क्या है, ये है कुरान सीखना सिखाना। मैं किसी की तोहीन नहीं कर रहा, ये पहले मैं वजाहत कर दूं सारे दोस्तों को, मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो जरूर कहना चाहता हूं कुरान सीखने सिखाने वाला बंदा सारे बंदों में बेहतर है। तो कुरान सीखने और सिखाने वाली जमात इशातों तो ईद व सुनना तमाम जमातों में बेहतर है। अल्लाह ने हमारी जमात को कुरान सीखने सिखाने के लिए कबूल कर लिया। अब तकरीबन महीने के बाद हमारे बड़े बड़े मराकज के अंदर पूरे मुल्क में कुरान पाक का दौरा तफसीर शुरू हो जाएगा। मैं भी पढ़ाता हूं कुरान सीखने सिखाने की मेहनत। साहबा किराम पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हमें तो नहीं समझ आई कैसे जिंदा है। कफन जनाजा कबर बीवियों का निकाह बच्चे यतीम विरासत तकसीम। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह शहीदों की रूहों को सब्ज रंग के परिंदों में रखकर जन्नत में छोड़ देता है, जन्नत में रहते हैं, जन्नत की नेमतें खाते हैं। ला कना दिल मुअल्लगा बिल अर्श, अल्लाह के अर्श के नीचे घोंसले बने हुए हैं, थक जाए तो उनमें आराम करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हल तश्तहून शैया, हदीस के लफ्ज है, शहीदों किसी चीज की तमन्ना है तो बताओ। कालू ला जाता लला, अल्लाह जन्नत मिल गई, जन्नत की नेमतें मिल गई हैं, हमें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह ने फिर पूछा फलमाले अन्नहुम ला युतरकून, उनको यकीन हो गया कि अल्लाह पूछ कर रहेगा। कहने लगे अल्लाह एक ख्वाहिश बाकी है, अंतरुदा अरवाहना फी अजसा देना हत्ता नुक्ता ना फी सबील गमरतन उखरा, हमारी जन्नत वाली रूहों को दुनिया वाले जिस्मों में वापस भेज, दोबारा जिंदा होकर शहीद होना चाहते हैं। जो मजा शहादत की मौत में आया है इन नेमतों में भी नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया कस है तो अन्नहुम ला यरजिऊन, हदीस पाक के लफ्ज, अल्लाह ने फरमाया मैंने फैसला कर दिया है जो रूह दुनिया के जिस्म में से निकल कर यहाँ जन्नत में पहुंच गई है क़यामत से पहले दुनिया के जिस्म में वापस नहीं जा सकती। मेरी तरफ देखिएगा सारे दोस्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा गए शहीद जिंदा लेकिन जन्नत में। जिन दोस्तों को जन्नत की तमन्ना है वो मुझे जन्नत का नाम ऊंचा सुनाए, शहीद जिंदा लेकिन कहां, ऊंचा ऊंचा शहीद जिंदा लेकिन कहां। ये मेरी बात नहीं है, आमना के लाल की हदीस है और सच्ची हदीस है, सुच्ची हदीस है, सही हदीस है। अब देखना शहीद दुनिया में जिंदा होते कफन न पहनाया जाता, दुनिया की जिंदगी के साथ जिंदा होते जनाजा न पढ़ा जाता, दुनिया की जिंदगी के साथ जिंदा होते दफन न किया जाता, बीवियां के निकाह न करती, बच्चे यतीम न होते, विरासत तकसीम न होती। शहीद जिंदा लेकिन जन्नत में। अकीदे की बात है, चुप नहीं बैठना दोस्तों ने। शान और मकाम शहीद का ज्यादा है या अल्लाह के नबी का ज्यादा है? उम्मत के लाखों शहीद मिल जाएं, अल्लाह के नबी की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। शहीद जिंदा जन्नत में, तो सारे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम वफात के बाद जिंदा लेकिन शहीदों से आला दर्जे वाली जन्नत में। सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है जो चौथे आसमान पर जिंदा मौजूद है, क़यामत से पहले नाजिल होंगे। हुजूर ने फरमाया 45 साल जिंदगी गुजारेंगे जमीन पर, दज्जाल को कत्ल करेंगे, या तज़ब्बजो वयूलदु लहु औ कमा कालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे उनकी औलाद भी होगी, या मूतो फयुदफनु मैया, ईसा अलैहिस्सलाम फिर वफात पाएंगे और मैं आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठे दफन होंगे हजरत आयशा के हुजरे में।
अगला जुमला देखना मेरी उंगलियों को दोस्त, शहीद जिंदा जन्नत में, अंबिया ने मुसरत वसलाम शहीदों से आला मकाम के अंदर जिंदा जन्नत में, और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के बाद सारे अंबिया किराम से आला मकाम के अंदर जिंदा लेकिन जन्नत में। मेरा जुमला ध्यान से सुनना, मैं साल बाद हाजिर हुआ हूं, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं। जो हयात शोहदा ना माने, हयात अंबिया ना माने, हयातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना माने, ऐसे बंदे को हम ईमानदार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हयात शोहदा बरहक, हयात अंबिया बरहक, हयातुल नबी बरहक, लेकिन वो हयात है जन्नत वाली। कुरान से पूछ लूं शहीद।